ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। विद्या, बुद्धि और वाणिज्य के स्वामी भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव शुक्रवार को विधि विधान पूर्वक मनाया गया। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाए जाने वाले भगवान गणेश का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी के रूप में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। इस अवसर पर व्रती महिलाओं ने जहां गजानन की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना आराधना की, तो वहीं जनपद के सिद्धपीठ बड़ा गणेश मंदिर में पूजन अर्चन के लिए भी भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। इस अवसर पर भगवान गणेश के दर्शन पूजन के लिए मंदिर में उमड़े रेले और यहां लगे मेले का दृश्य आप भी देखिए। कहते हैं चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा जिसके मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करता है, उस अग्र पूज्य देव गणेश की आराधना को पूरा जनपद बड़ा गणेश मंदिर में उमड़ा। प्रति महिलाओं ने फल, दुर्वा, मिष्ठान आदि का भोग लगाकर लंबोदर को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंची प्रति महिलाओं ने बताया कि संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला यह एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को रखने से विघ्नहर्ता देव भगवान श्री गणेश भक्तों के समस्त संकटों को दूर करते हैं। गणेश जी की पूजा की जाती है षोडशोपचार से और उनको फल, दुर्वा, मिष्ठान इत्यादि सब भेंट किया जाता है और ये पुत्र की मनोकामना से, पुत्र की लंबी आयु या पुत्र की मनोकामना लेकर ही ये व्रत किया जाता है और इसको संकष्टी गणेश चौथ भी कहते हैं और सबको ये संकट को हरने वाली होती है, इसलिए इसको संकष्टी गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। को चंद्रमा जब निकलते हैं तो चंद्रमा का दर्शन करके, उनका पूजन करके, उनको अर्घ्य देके तब व्रत तोड़ा जाता है। इसमें तिल का ज्यादा महत्व रहता है, तिल के लड्डू बनते हैं और तिल से ही व्रत तोड़ा जाता है। ये गणेश चतुर्थी लड़कों का त्यौहार है, इसमें गणेश जी की पूजा की जाती है और बच्चों लड़कों के लिए ज्यादा मान्यता है और ये त्यौहार हम लोग इसलिए करते हैं कि अपने बेटे का लंबी उम्र की कामना करते हैं, गणेश जी से ही प्रार्थना करते हैं, यही गणेश चतुर्थी मनाने का ये उद्देश्य है हम लोग। ये व्रत तो हम लोग आज के दिन तिल्ली के लड्डू वगैरह बनाते हैं और ये व्रत तोड़ने का चांद हम लोग देख के अर्घ्य देते हैं। चांद को देखने के बाद ही हम लोग पानी पीते हैं और बेटे से हम लोग अर्घ्य दिलाते, वही उनकी पूजा करते हैं, तब हम लोग त्यौहार ये व्रत मनाते हैं, तोड़ते हैं। चढ़ाने में हम लोग ये गंजी चढ़ाते हैं और तिल के लड्डू रहती है, सेव की लड्डू रहती है। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। गुरुवार की रात जब लोग घरों में सो रहे थे, उसी वक्त करीब 12 बजे रौनापार थाने के बड़ियां गांव में एक गरीब परिवार का सब कुछ जलकर स्वाहा हो रहा था। इस घटना में गृहस्वामी, उसकी पत्नी व दो बेटियों की झुलस जाने से मौत हो गई, जबकि एक दर्जन पशु भी काल के गाल में समा गए। बताया जाता है कि घास फूस के बने छप्पर में अचानक आग लगी, जिसने देखते ही देखते भयावह रूप ले लिया। इस दरमियान मड़ई में सो रहा 55 वर्षीय रामसागर गंभीर रूप से झुलस गया,
जबकि उसकी पत्नी 50 वर्षीय प्रभावती, 17 वर्षीय पुत्री चंद्रशीला व 15 वर्षीय संगीता की ज्यादा झुलस जाने से मौत हो गई। रामसागर की सांसें चल रही थी। गांव वाले रात में ही उसे लेकर जिला अस्पताल भागे। यहां इलाज शुरू हुआ, लेकिन शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे रामसागर की भी मौत हो गई। अगलगी की इस घटना में 4 की मौत की खबर मिलते ही आजमगढ़ पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अफसर जिला अस्पताल पहुंच गए। आग कैसे लगी यह कोई स्पष्ट नहीं बता पाया। रामसागर के भाई ने बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट बताया, तो वहीं सीओ सगड़ी सुधाकर सिंह का कहना था कि अलाव की आग से रात करीब 12 बजे यह घटना हुई है। 12 बजे के आसपास ये जो मृतक हैं, ये अपने घर में झोपड़ी के भीतर अपना अलाव जला रखे थे और एकाएक उसमें से आग लग गई इनके झोपड़ी में। ये भाग नहीं पाए और भीतर ही अपना 3 औरतें और एक जो उसका गृह मालिक है उनकी उसमें जलकर मर गए। एसडीएम सगड़ी रवि रंजन ने मीडिया को बताया कि घटना के तत्काल बाद से प्रशासन पीड़ित परिवार की मदद कर रहा है। परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा राशन और पक्का मकान भी दिलाया जाएगा। कल रात में बहुत विभत्स और दुखद घटना घट गई और इसमें तत्काल वहां पे जो तहसील प्रशासन पहुंच गया था, पुलिस और तहसील प्रशासन, 4 मृतक हो चुके हैं अभी तक जहां तक खबर आई है। और हम लोगों ने तुरंत वहां पे दैवीय आपदा के अंतर्गत इनको सहायता के लिए कर दिया है। फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, इनको समय से कल परसों में मिल भी जाएगा। मृतक को 4 लाख रुपए मिलते हैं दैवीय आपदा में। उसके अलावा जो पशुधन का नुकसान हुआ है इनका, उसका भी मुआवजा इनको मिलेगा। और साथ में जो पात्र व्यक्ति हैं जिनका कच्चा मकान वगैरह है, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास में भी हम लोगों ने इसमें रिकमेंडेशन कर दिया है, तो सब सहायताएं मिल जाएंगी और भी उनको जो भी जरूरत हो सकती है यथासंभव हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी मदद की जा रही है। मृतक रामसागर के भाई राम केवल ने बताया कि 2 मड़ैया एक साथ में थी, रात का समय होने से लोग जाग नहीं पाए और इतनी बड़ी घटना हो गई। जैसा कि मेरी भाभी दोनों बच्चे के लेकर सो रही, मेरा भाई दूसरे वाली मड़ई में सो रहा था, तो ऊपर से उसमें तार लगा हुआ बिजली का, उस साट करके आग पकड़ लिया। मेरा भाई भी सो जल गए, मेरी भाई भी, मेरे भतीजी भी। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एवीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। रौनापार के बरडीहा गांव में अगलगी की बड़ी घटना से गुरुवार की रात मानो कोहराम मच गया था। गांव निवासी रामसागर की पत्नी व 2 बेटियों की आग से झुलस कर मौत हो चुकी थी। 1 दर्जन पशु भी जल मरे थे। रामसागर की सांसें चल रही थी। भाई राम केवल व अन्य ग्रामीण रात में ही उसे लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराये, लेकिन वाहरे गरीबी, वाहरे नियति। गरीबों पर कहर टूटता है तो बाकी कुछ भी नहीं रहता। कोई अमीर होता तो शायद डॉक्टर भाग दौड़ करते दिख जाते, लेकिन गरीब था इसलिए रात में दवा इलाज ही ढंग से नहीं हो पाया। भाई राम केवल ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में इलाज न होने से ही उसकी हालत और बिगड़ी। इस करके मेरा भाई तो कैसों से बाहर निकल गए, उनके रात के यहाँ लेके आए, एडमिशन हुआ, एडमिशन तक सुबह तक मेरे भाई साहब ठीक थे। रात में कोई डॉक्टर नहीं क्लास लगा रहा है कि हाँ मरीज कैसा है कैसे नहीं। सुबह बड़े डॉक्टर साहब आए, पट्टी पुट्टी करवाए, उसके पट्टी करने के बाद 5 मिनट बाद मेरा भाई डेट कर गया। आखिरकार शुक्रवार को पूर्वाहन करीब 10 बजे रामसागर की मौत भी हो गई। जिला अस्पताल में मरीज के इलाज में लापरवाही का यह आरोप पहला नहीं है, अक्सर ऐसा होता है। हालांकि जब ड्यूटी पर तैनात रहे डॉक्टर प्रशांत सिंह से बात की गई तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि इलाज में लापरवाही नहीं की गई थी, उसकी हालत ज्यादा गंभीर थी इसी कारण बाद में मौत हो गई।
3 बजे के आसपास एक मर्द आया था, इनफैक्ट उसके जो दोनों बेटे थे और जो उसकी पत्नी थी वो पहले ही ऑन द स्पॉट उस वहाँ डेथ हो गई थी। वो जो बताया गया है उनके परिजनों द्वारा कि मड़ई में आग लग गई थी, उससे सारे के सारे परिजन मर गए थे। जब और ये भी पेशेंट जो है लगभग 95% बर्न था, 95% बर्न था, बहुत ही सीरियस हालत में था। और इनके परिजनों को भी हमने बताया था कि काफ़ी कम उम्मीदें हैं और करीब सुबह 10:30 बजे उनकी डेथ हो गई। इस लेकिन ये जरूर था कि इस पूरे प्रकरण में जो है सुबह रात में डॉक्टर कुशवाहा ने उनको अटेंड किया था, उसके बाद सुबह एज ए बर्न स्पेशलिस्ट मुझे कॉल गई थी, मैंने तुरंत उसको अटेंड किया। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। कोड़े की तरह बदन पर चाबुक चला रही ठंड ने सभी के हौसले पस्त कर रखे हैं। ठंड के इस कातिलाना तेवर को सर्द हवाओं ने और भी रौद्र रूप प्रदान कर दिया है। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों तक को ठंड ने बेहाल कर रखा है। 24 घंटे लोगों का ठंड ठंड का जाप करते ही बीत रहा है। व्यक्तिगत रूप से अलाव जलाकर लोग ठंड को भगाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन सभी उपाय उतनी ही देर टिक रहे जितनी देर गर्म तवे पर पानी टिका करता है। मौसम के इस कड़े तेवर को देखते हुए जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने इंटरमीडिएट तक के छात्र छात्राओं को फौरी राहत प्रदान कर दी है। उन्होंने 12 तक के सभी सरकारी प्राइवेट विद्यालयों को आगामी 10 जनवरी तक के लिए बंद रखने के आदेश दिए हैं। सोमवार को शिक्षण संस्थानों के खुलने की उम्मीद थी, लेकिन बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने अब 12वीं तक के शिक्षण संस्थानों को 10 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है। स्कूल 10 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं। बच्चों के गरीबों को जो असहाय लोग हैं उनको कंबल बंटवाए जा रहे हैं, अलाव की व्यवस्था की जा रही है। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवा से जोड़ने और सभी को सरकार की योजनाओं की जानकारी मुहैया कराने का बीड़ा यूनियन बैंक परिवार ने उठाया, तो उसे अब आगे ले जाने की कोशिशें भी परवान चढ़ रही हैं। आजमगढ़ में अग्रणी बैंक यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय ने इसी मकसद को लेकर नेहरू हाल सभागार में 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया है। यहां बैंक से जुड़े बिजनेस करेस्पॉन्डेंट व बैंक मित्रों को वित्तीय समावेशन व वित्तीय साक्षरता का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शुक्रवार को पहले दिन कार्यशाला का बकायदे उद्घाटन हुआ और इसके बाद मुंबई से आए महाप्रबंधक FIPC पाणिग्रही व वाराणसी के महाप्रबंधक SN कौशिक ने सभी को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि आज कैसी बैंकिंग की जरूरत है और हमें जनता को क्या सेवा सुविधा मुहैया कराना है। अफसरों ने कहा कि हमें जिम्मेदारीपूर्वक प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवा से जोड़ना है, लोगों को उनके बचत व छूट के फायदे भी बताने होंगे। उससे हमारा जो कृषि ऋण है वो बहुत नीचे चला गया। हम लोगों की अब ये चेष्टा है, ये कोशिश है कि हम उन लोगों के पास तक पहुंचे और उनसे हम पहुंच करके कहें कि भाई आपका छूट आ गई है, आपको हम फिर से देने को तैयार हैं। चलिए आ गई है, ये लेना चाहते हैं और इनको आप फिर से दे दीजिए। हम उनको फिर से देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं और बहुत आसानी से। आजमगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय के उपमहाप्रबंधक लुकमान अली खान ने वर्कशॉप में आए सभी अधिकारियों व बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के अलावा बैंक मित्रों का स्वागत किया। कहा कि सभी का सामूहिक प्रयास निश्चित तौर पर एक बड़े बदलाव का जरिया बनेगा। उन्होंने कहा कि बैंक सैनिकों को व अन्य खाताधारकों को कई ऐसी सुविधाएं देता है
जिनकी आमतौर पर जानकारी उन्हें नहीं हो पाती। बैंक मित्र इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आज हम दो दिवसीय बैंक मित्र सम्मेलन रखे हैं। इसमें जो बैंक मित्र होते हैं ये बैंक के प्रतिनिधि होते हैं। जहां हमारे शाखाएं नहीं है या ATM नहीं है वहां हमारे बैंक मित्र कार्यरत रहते हैं। तो जनता सेवा जनार्दन सेवा, तो जन जन को हर एक परिवार से हर एक वयस्क आदमी का खाता बैंक में होना जरूरी है। बैंकों में खाता क्यों आवश्यक है, बचत क्यों करनी चाहिए, बचत के साथ साथ ऋण प्राप्त क्यों करना है और बैंकों से क्यों ऋण लेना है और ब्याज क्या होता है, बैंक का ब्याज और साहूकार का ब्याज में अंतर क्या है, बैंक से ऋण लेने में क्या फायदे होते हैं, ये सब जनता को बताने के लिए, जो वित्तीय साक्षरता के लिए और ट्रांजैक्शन के लिए सबको बैंक के साथ जोड़ने के लिए, साथ में जो होता है कि जन सुरक्षा, जैसे जन सुरक्षा के लिए जन सुरक्षा बीमा, पेंशन जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सब बीमा और पेंशन ये सब को लेके लोगों के साथ जोड़ना, इसके लिए बैंक मित्रों को, इनको जो कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं हम, तो इनकी जो अगर ये खुद ये सब चीजों के बारे में अच्छे ज्ञान प्राप्त कर लें, अच्छे अनुभव प्राप्त कर लें, ताकि जनता का सेवा सुचारू रूप से ये कर सकें, इसलिए हमने ये दो दिवसीय कार्यशाला रखे। हम केंद्रीय कार्यालय से प्रतिनिधि तो किए और ये पूरे हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो 25 जिले हैं इसमें जो कार्यरत हैं हमारे बैंक मित्र, तो इन लोगों के लिए हम रखे हैं। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। शासन की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों और जनता के कल्याणार्थ शुरू की गई योजनाओं की शुक्रवार को जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने समीक्षा की। इस मासिक समीक्षा बैठक में जनपद के समस्त विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभागवार संचालित योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की, कार्य की प्रगति का अवलोकन किया। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्रों को प्रदत्त की जा रही की गई सुविधाओं की उन्होंने समीक्षा की। उन्होंने लाभार्थियों के खाते में ही धनराशि प्रेषित किए जाने के निर्देश देते हुए ODF की स्थिति पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्ति के संदर्भ में अपेक्षित प्रगति पर लक्षित नहीं हो पा रही। इस संदर्भ में कठोर कदम उठाते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राम प्रधान के ऊपर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा कि जरूरत अनुसार FIR भी दर्ज कराई जाए। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जिन विभागों की प्रगति ठीक नहीं पाई जाएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जो महीने की जो समीक्षा बैठक होती है विकास कार्यों की, वही बैठक थी। इसमें जो प्रमुख योजनाएं हैं, जो शासन की प्रमुख योजनाएं, उनकी समीक्षा की गई थी और जिन विभागों की प्रगति ठीक नहीं है उनके बारे में उनको निर्देश दिया गया ठीक करें, नहीं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। जियनपुर कोतवाली के सिकंदरपुर गांव के समीप एक प्राइवेट स्कूल में ही शराब की फैक्ट्री चल रही थी।
पुलिस ने गुरुवार की शाम छापा मारकर करीब 2 करोड़ की अवैध शराब बरामद की है। मौके से 2 कारोबारियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि तीसरा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को इस सफलता पर 10,000 रूपये पुरस्कार की घोषणा की है। गिरफ्तार आरोपियों में जयप्रताप सिंह व बलवंत सिंह जीएनपुर कोतवाली के ही अमुआरी नारायणपुर गांव के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी व जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह समेत कई वरिष्ठ अफसर जीएनपुर पहुंचे और मीडिया के सामने अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस कप्तान का कहना था कि शराब माफिया इतने होशियार कि स्कूल कैंपस में ही शराब की फैक्ट्री चला रहे थे। सटीक सूचना पर पुलिस ने छापा मारा और यह सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि व्यापक छानबीन की जा रही है, आगे भी शराब के अवैध कारोबार पर नकेल कसी जाएगी। थाना जीरनपुर में शराब की फैक्ट्री की सूचना मिली थी और उसमें यहाँ की थाना पुलिस थी, जिलाधिकारी महोदय और हम भी मौके पर आए हुए हैं। यहाँ रेड में पाया गया कि भारी मात्रा में शराब की फैक्ट्री है जो शराब बनाई जा रही है और इसको बनाने के बाद न केवल जनपद आजमगढ़ बल्कि मऊ बलिया सभी जो लाइसेंसी दुकानें हैं वहां पर बोतलों में पैकिंग करके सप्लाई की जा रही है। स्प्रिट से यहां पे ये फैक्ट्री में बना रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं और आरओ यूज कर रहे हैं, उसका वाटर भर रहे हैं और उसकी सप्लाई है 10 रूपये 12 रूपये कास्ट आती है जो बेचते हैं और दुकानों से 80-90 रूपये में और छोटी छोटी बॉटल ही बेच रहे हैं। भारी मात्रा में यहाँ रिकवरी हुई है और आगे भी हम लोग 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, आगे इसमें कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर, जिस तरह से कानूनी कार्रवाई हुई, लोग पकड़े गए हैं हमारे, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके का, जबकि उम्र कैद और फांसी तक की सजा है। बिल्कुल, ये पुलिस की सक्रियता ही है कि ऐसी बड़ी फैक्ट्रियां जनपद में पकड़ी जा रही, बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। 2 करोड़ के आसपास की कीमत का माल यहां भी बरामद किया यहां की पुलिस ने और आगे भी हम लोग इसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। ब्रांडेड फ्लैट फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। ठीक खबर गर्म की गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर तमाशा न हुआ। जी हां, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके तिवारी ने यही दावा किया था कि इस ठंड मरीजों व उनके परिजनों को जिला चिकित्सालय में कोई दिक्कत न होगी, क्योंकि इस बार सभी वार्डो में रूम हीटर लगवाए जाएंगे। बढ़ती ठंड में मरीजों और उनके तीमारदारों के अच्छे दिनों का दावा देखने जब हम पहुंचे तो सभी वार्डों का चक्कर ही लगाते रह गए, कहीं किसी भी वार्ड में रूम हीटर की व्यवस्था नजर नहीं आई। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जीएल केसरवानी से जब एबीसी चैनल ने उन दावों वादों के बारे में पूछा तो वे अलाव के चारों ओर बात गोल गोल घुमाते रहे। कहा जहां कमी है वहां रूम हीटर लगवाए जा रहे हैं। यह अलग बात है कि जहां जहां कमी है से उनकी बात का मतलब कुछ समझ में नहीं आया, कहीं लगे होते तो कुछ बात शायद आपके और हमारे समझ में भी आती। जैसे अलाव की व्यवस्था की गई है कि अलाव जो है चारों तरफ में जलते रहे, तो हमारे यहाँ अस्पताल के मेन एंट्रेंस पे जहाँ इमरजेंसी और मेन एंट्रेंस है वहाँ भी अलाव जल रहा है। पीछे की तरफ ट्रॉमा सेंटर है, ट्रॉमा सेंटर की तरफ भी अलाव जल रहा है और पोस्टमार्टम के लिए जो ओपन स्पेस है वहाँ पर भी हम लोग अलाव जलवाते हैं। रूम में जगह जगह हीटर्स और रेडिएटर जो है वो सप्लाई कुछ जगह किए गए हैं, बाकी और किए जा रहे हैं ताकि इस गर्मी में जो प्रचंड ठंड पड़ रही है उससे थोड़ा निजात रहे। खिड़की कमरे थोड़ा सा बंद रखे जाते हैं हवा का ताकि मिनिमम प्रभाव रहे। नहीं, हीटर की तो ज़्यादातर जगह तो दे दिया गया है, कुछ जगह जहाँ कमी है जहाँ वो है वो व्यवस्था होगी। ब्रांडेड फ्लैट फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।